बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे 5.2 NCERT का 5.2 चैप्टर के ना क्वेश्चन नंबर है ना, लास्ट क्वेश्चन 16 देखे थे, ठीक है। आज है ना, हम लोग ऐसे उससे आगे हम लोग देखेंगे 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो 5.2 में शेष बच चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी है 3, 8, 13 डिटोइटो 253 में अंतिम पद कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो, हम लोग कैसे अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीका है। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अंतिम पद से क्या करेंगे, हम एपी को ही पलट देंगे, एपी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। बस सुन रहे हैं, वास्तव में आपके पास एपी यह दिया हुआ है, आपका एपी क्या हो गया, एपी आपका है 3, 8, 13 डॉट डॉट। अब बताइए यहाँ पर 253 है, तो देखिए कोर्स देखिएगा, पता चलेगा कि सब है ना पांच पांच आगे बढ़ रहा हुआ है। इसका मतलब 253 से पहले 248 रहा होगा कि न रहा होगा, बोलिए। अब पांच पांच देख रहे हैं कि सब में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, 253 से पहले कितना रहा होगा, 248 रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है अंतिम पद से, तब क्या लिखते हैं, अंतिम पद से जब ज्ञात करना है तो उसके लिए आपका एपी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखते हैं अंतिम पद से, अंतिम पद से प्राप्त एपी, अंतिम पद से प्राप्त एपी। अब देखिए अंतिम पद जैसे कीजिएगा तो एपी आपका इस प्रकार प्राप्त होगा, पहले होगा 253, तब होगा 248, डिटो डिटो करके हो जाएगा कितना 13, फिर हो जाएगा 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, करा अंतिम पद से करा था, अंतिम पद से एपी को क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं, क्या हो गया एपी 253, 248 डॉट डॉट 13, 8 और कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इस एपी के लिए बताइए, हमसे पूछा जा रहा है 20वां पद, क्या पूछ रहा है 20वां पद, बताइए पहले ए क्या हुआ, ए का मान हो गया 253 हो गया, बताइए डी कितना हो गया, अगला में से पिछला घटा लीजिए तो 248 में से 253 घटा लीजिए कितना बचेगा, माइनस में 5 बचा। अब बताइए अंतिम पद देखिए, करा अंतिम पद से 20वां पद करा है ना, तो देखिए ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, करा 20वां पद, तो इसका मतलब मैंने एन का मान दे दिया, किसका मान दे दिया, एन का मान दे दिया, एन का मान कितना हो गया 20 हो गया, और आपसे पूछ रहा है ए 20 का मान कितना होगा, हुआ ठीक कर रहा है ए 20 का मान बताने के, ठीक है। तब बताइए ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, एन पता है, तो क्या हम लोग 20वां पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका 20वां पद ज्ञात करना, देख कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा काम करना है, फॉर्मूला से यूज कीजिए, क्या फॉर्मूला होता है ए बताइए, एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, वही इस्तेमाल कर दीजिए, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है कि ना होता है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, ए 20 ज्ञात करना है, तो इनके जगह कितना डाल दीजिए, इनके जगह पे 20 डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ए का मान कितना है 253 है, तो 253 एन का मान कितना है 20 है, तो लिखेंगे 20 माइनस वन। अब बताइए डी का मान कितना है माइनस पांच है, तो माइनस पांच रख दीजिए। अब देखिए इधर ए 20 का मान क्या बराबर 200 कितना हो गया 53 प्लस, अब इसमें घटाइए कितना बचेगा 19 बचेगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस कितना माइनस, ये हो गया 19 बचे 95 हो गया, कितना हो गया 19 बचे 95 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से आपको यह क्या करना है घटाना है, आपको क्या करना है इसमें से आपको ऐसे यह घटाना है, तो घटा लीजिए 13 में से 5 गया तो कितना हो जजाएगा 8 बच गया, इससे कितना 4 तो हो गया 14, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया 5, ये बच गया कितना 1, अर्थात ए 20 का मान कितना निकल गया 158, कितना निकल गया 20 का मान 158। तो याद रखिए आपका यही एक सुंदर सा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, कह रहा है कि कोई एक एपी दिया हुआ है, एपी है 3, 8, 13 डॉट डॉट कर रहा है, इसका अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना था, तो हम क्या किए एपी को लिख लिया, अंतिम पद से प्राप्त एपी कर दिए। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में ए का मान निकाले हैं, डी का मान निकाले हैं, एन का मान निकाले हैं, और ए 20 का फॉर्मूला लगाए, ए 20 का फॉर्मूला यूज कर दिए हैं, कितना एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, या फिर ए 20 बराबर मान डाल दिए कितना आ गया 158, या फिर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 17 था, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कोई एपी है जिसका चौथा और आठवां पद दिया हुआ है 24। तो चलिए चौथा पद हो गया तो ए फोर हो गया 24 है ना, और कह रहा है आठवें पद तो ए फोर प्लस कह रहा है ए आठ का चौथे और आठवें का योगफल कितना है 24 कह रहा है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 24। क्या कह रहा है? फिर कह रहा है छठे और दसवें पदों का योगफल 44 है। अब देखिए अब के फिर क्या कर दिया, कह रहा है छठे क्या कर रहा है, छठे कर रहा है तो ए छ प्लस दसवें तो ए दस कर रहा है, दोनों का योगफल कितना है 44 है। तो कह रहा है इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम तीन पद का मतलब हुआ ए वन पूछ रहा है, ए टू पूछ रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, ए थ्री पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 है। कह रहा है चौथे और आठवें पदों का योगफल कितना है 24 दिया हुआ है। क्या हो गया, चौथा और आठवें पदों का योगफल 24 हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके छठे और दसवें पदों का योगफल कितना है 44 है। इसका छठा और दसवां पदों का योगफल कितना हो गया 44 हो गया। तो कह रहा है इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इस एपी का जो एपी होगा ना, आपका क्वेश्चन का जो एपी होगा उसका ये तीन पद ज्ञात करना। तीन पद का मतलब ही हो गया ए वन ए टू और ए थ्री, हुआ कि नहीं हुआ? तीन पद का मतलब क्या हुआ, ए वन ए टू और ए थ्री, अर्थात आपको ए वन ए टू और ए थ्री को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे ए वन ए टू ए थ्री। आपको पता होगा कि ए वन ए टू ए थ्री ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए ए डी और एन चाहिए। तेन तो आपको पता ही है कि ए पहला है दूसरा तीसरा, आपको चाहिए महत्वपूर्ण ए और डी चाहिए, ठीक है। तो ए और डी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए मसाला दिया हुआ है, आपके पास एक मसाला तैयार है, आपको उसको अच्छा सब्जी में बदल कन्वर्ट कर देना। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, वहां से लाते हैं ए और डी का मान। गौर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फोर और ए आठ का मान कितना है 24 है कि नहीं है। इसका मतलब हुआ ए प्लस क्या डी थ्री डी, याद है आप लोगों को पता होगा ए पर 14 का मतलब क्या थ्री डी होता है कि नहीं। अब देखिए अठवा है तो क्या होगा, ए प्लस क्या डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सेवन डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये एक कम हम पता आप लोगों को सिखाया होगा कि एक कम लेने के लिए, तो चार है तो तीन आठ है तो सात, इतना बराबर कितना हो गया है ना 24 हो गया। आप देखिए यहाँ से ए और ए मिलेगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए सात को तीन कितना हो गया 10 डी, बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए दोनों में से दो कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस फाइव डी, बराबर कितना आ गया 24 हो गया। दूसरे काट सकते हैं इसको, 12 मरतबे कट गया, यह आ गया ए प्लस फाइव डी, ए प्लस कितना दिया गया ए प्लस फाइव डी, बराबर आ गया आपका आंसर कितना 12 आ चुका है, ठीक है। ए प्लस फाइव डी बराबर, इसको समीकरण हम एक फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ लिखते हैं, तथा क्या दिया हुआ है, फिर ए सिक्स प्लस ए दस बराबर कितना 44 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ से ए प्लस से क्या डी हो जाएगा, फाइव डी होगा और 10 है तो ए प्लस बताइए कितना डी हो जाएगा 9 डी होगा, 6 है तो 5, 10 है तो 9, बराबर कितना हो गया ये 44 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ए मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 9 का 5 कितना हो जाएगा 14 डी, बराबर 44 हो गया। यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा 7 डी, बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ से दो से काट दीजिए, दो से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, तो आ गया ए प्लस 7 डी बराबर कितना 22 आ गया। यह समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण सेकेंड हुआ। ये समीकरण फर्स्ट निकला है ए प्लस फाइव डी बराबर कितना 12, और समीकरण दूसरा निकला है ए प्लस सेवन डी बराबर कितना 22। दो समीकरण, दोनों समीकरण को अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे लुप्तीकरण विधि से। कौन विधि से, लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। तो समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं, तो समीकरण लिखते हैं एक में से दो को क्या करने पर, समीकरण दो को घटाने पर। चलिए समीकरण एक में समीकरण दो को घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, देखिए a प्लस फाइव डी बराबर 12 और a प्लस सेवन डी बराबर 22। चलिए इसको घटाते हैं, यह माइनस 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 इससे कट गया, इसको घटाएंगे तो माइनस में 2d बराबर बचेगा माइनस में 10। यहाँ से इससे क्या हो गया, कट गया, दो से काट गया, दो पंच डी का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। देखिए ध्यान दीजिए तो डी का मान कितना निकल चुका है, डी का मान आ गया यहाँ पर 5 आया, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए का मान, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक में डी का मान डाल दीजिए। देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण
एक में क्या करने पर रखने पर तो समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस पांच गुने कितना पांच गुने पांच बराबर बारह, यहाँ से a प्लस पांच बचे पच्चीस बराबर बारह, यहाँ से a बराबर बारह माइनस कितना पच्चीस यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a बराबर कितना हो गया बारह माइनस है ना पच्चीस, इसमें से घटा लीजिए तो a बराबर कितना बचेगा माइनस में तेरह बचे, बचा कि नहीं बचा। देखिए ए का भी मान निकल चुका है और डी का मान निकल गया, हमसे पूछा जा रहा है ए वन पूछा जा रहा है, ए वन याद होगा आप लोगों को ए को ही कहा जाता है, तो ए वन हो गया ए, ए का मान कितना हो गया माइनस तेरह। अब ए टू हमसे पूछा है, ए टू का मतलब हम लोग को आप लोगों को बताया हुआ है ए प्लस क्या होता है डी होता है ना, तो ए प्लस डी हो गया, यहाँ पर मान डाल दीजिए तो ए ए का मान कितना होता है, ए का मान दिया हुआ भी निकाले हैं माइनस तेरह, डी का मान कितना है आठ है नहीं पाँच है सॉरी पाँच ही है आठ नहीं है, डी का मान पाँच है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आठ होगा तो माइनस आठ। अब ए थ्री ज्ञात करना है तो थ्री ए प्लस क्या डी टू डी हो गया, यहाँ से ए का मान हो गया माइनस तेरह और दो गुणे कितना पाँच हो गया माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में तेरह हो गया और इधर होगा पाँच दूना दस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन आ गया। तो पहला पद इस ए पी का प्राप्त हुआ है माइनस तेरह, दूसरा प्राप्त हो गया माइनस आठ और तीसरा प्राप्त हो गया कितना माइनस तीन। आपका ए पी के बताइए तीनों पद ज्ञात हुआ कि नहीं ज्ञात हुआ, यही आपका क्या हुआ सुंदर सा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर कितना था अठारह, कितना क्वेश्चन नंबर था अठारह। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए उन्नीस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुब्बा राव एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है सुब्बा राव, बहुत अच्छा नाम है सुब्बा राव, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार प्रारंभ किया। कह रहा है सुब्बा नाम का है, एक नाम का एक व्यक्ति है जो 1995 में है ना अपना ऐसे जॉब ऐसे प्रारंभ किया, उसका मासिक वेतन कितना था 5000 रुपया उसका मासिक वेतन था, तो 1995 में शुरू किया, 1995 में शुरू किया कितना रुपया शुरू किया 5000 रुपया से यह शुरू किया 1995 में, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ष है ना प्रत्येक वर्ष 200 रुपया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन है ना वृद्धि की बार प्राप्त की हुई, कह रहा है कि उसका क्या हुआ जब मासिक वेतन 5000 से स्टार्ट किया था हर साले साले 200 रुपया उसके वह ना वेतन में बढ़ता गया, मतलब फर्स्ट साल यदि उसको 5000 मिला हुआ है तो सेकेंड साल उसको कितना मिलेगा 5200 मिलेगा, फिर थर्ड साल कितना मिलेगा उसको मिला ऐसे 5400 मिला, मतलब यह सिलसिला चल रहा है, ठीक है। कड़ा क्वेश्चन में कि 5000 के वेतन पे काम किया और 200 रुपया साले साले बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट साल 5000 मिला, दूसरा साल साले 5200 मिला होगा, तीसरा साल इसको 5400 मिला, इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा। तो कड़ा किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, कह रहा है उसका वेतन 7000 रुपया किस वर्ष में हो जाएगा, तो कह रहा है किस वर्ष में, ठीक है, अर्थात कैमा वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, इसका मतलब उसका सिलसिला इस प्रकार चल रहा है, पहले 5000 मिला तब 5200 मिला तब 5400 मिला, ऐसे करते हैं किसी वर्ष उसको 7000 रुपया प्राप्त हुआ, तो कह रहा है किस वर्ष, क्वेश्चन में कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन इतना हो जाएगा, अर्थात है ना किस वर्ष में इसको ऐसे पैसा मिलेगा 7000 मिलेगा, कैमा वर्ष में मिलेगा, यही क्या करना है हमको ज्ञात करना है, बहुत आसान तरीका, किस वर्ष इसका मतलब हो गया इन का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है इन का मान ज्ञात करना है। देखिए यह जो आपका प्राप्त हुआ वह सुंदर सा एक एपी प्राप्त हो चुका है, यही आपका एपी है मेन एपी आपका यही हो गया, और इसी में कह रहा है कि है ना किस वर्ष मतलब इन का मान किस है ना क्या वर्ष में उसको मिलेगा इनका मान क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। तो इस एपी के लिए गौर से देखिए ए कितना हो गया 5000 हो गया, अब बताइए डी कितना हो गया, तो अगला में से पिछला ये आप लोगों को तो बहुत पहले से ही पता है, घटा लीजिए कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं 7000 क्या है ना, तो यह आपका एन हो गया, हमसे क्या मैन अंतिम जो भी पद होगा वो आपका एनवा पद होता है, तेमा पद आपका दे दिया कितना 7000 दे दिया, और आपको इन कह रहा है क्या करने के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होती है आप लोगों को पता होगा, फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं, हम लोग इस फार्मूला का यूज करके ना यहाँ पर एन निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एन का मान कितना हो गया 7000 हुआ, एन का मान कितना है 7000 है, ए का मान कितना है 5000 है, ए का मान 5000 हुआ,
एंड एन का मान क्या करना, हम लोगों को ज्ञात ही करना है, इसलिए ना इसको ज्ञात करेंगे। डी, डी का मान कितना है, 200 रुपया, चलिए 200 रुपया डाल दीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, 5000 को इधर ले आइए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 7000 में से 5000 को इधर लाकर घटाना, ये कोशिश करेंगे। इधर बच गया एन माइनस वन और 200 बचा, उसको रहने दीजिए जस्ट की तस्, गुना भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ना बाद में सुविधा हो जाएगी, काफी अच्छा रहेगा। 7000 में 5 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। उधर 200 गुना में ना है तो 200 क्या कर दीजिए, बटा मिल जाइए। आगे कितना, एन माइनस वन, एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना, दो से काटिएगा दो दाही 20, कट गया कि नहीं, इधर आ चुका 10, उधर का माइनस को इधर ले जाइए तो प्लस एन हो गया। यहाँ से देखिए 11 बराबर कितना आया, एन आया, यही आपका आंसर हो गया। एन का मान कितना, 11, अर्थात 11वें वर्ष होगा ना, इस वर्ष में उस व्यक्ति अर्थात सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया, चलिए तो समझ में आया ही होगा इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल विधि से समझा रहे हैं, बात समझ में आएगी नहीं आपको, है ना, अगर अच्छा से देखिएगा ना इस क्वेश्चन को तो आपको जरूर समझ में आएगा, बस समझे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, चलिए उस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में 20 कह रहा है रामकली ने, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा नाम है, नाम क्या है रामकली, कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। कह रहा है कि रामकली नाम का एक व्यक्ति है जो किसी वर्ष है, कोई भी वर्ष हो, उस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की, कितना रुपया बचत किया, 5 रुपया बचत किया। चलिए क्वेश्चन में 20 है, रामकली 5 रुपया पर बचा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। कह रहा है कि रामकली 5 रुपया पहले प्रथम सप्ताह में बचाया, फिर उसके बाद अपना रुपया में 1.75 रुपया अधिकतर बढ़ाया गया प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह है ना अपना रुपया में बढ़ोतरी करते गया, कितना बढ़ोतरी करते गया, 1.75 रुपया की क्या करते गया, बढ़ोतरी करता गया। मतलब फर्स्ट में ना पहले सप्ताह में वो 5 रुपये की बचत किया, अगले सप्ताह में वो कितना 6.75 ऐसे, मतलब इतना में बचत किया, मतलब कितना हो गया 6.75 रुपया की बचत किया। यह सिलसिला उसका चलता गया। कह रहा है कि बताइए इनमें सप्ताह में उसकी सब है ना बचत इतना हो जाती है। कह रहा है स्पष्ट कर दिया कि इनमें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाती है, तो कह रहा है 20.75 हो जाती है, कितना हो जाता है 20.75 हो जाती है। तो कह रहा है बताइए एन का मान कितना होगा, क्या कह रहा है निकालने के लिए, एन का मान पूछ रहा है कि एन का मान है ना कितना होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली नाम का एक व्यक्ति है जो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या करता है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कोई भी वर्ष होता है उसमें है ना 52 सप्ताह होती है कि नहीं, 52 सप्ताह होता है, उसके बाद है ना 365 दिन, अगर ना उसके बाद यदि लीप ईयर है तो 366, अगर इससे सीधे है गैर लीप है तो 365 दिन का दिन होता है कि नहीं। तो कह रहा है कोई भी आप लोगों को पता यह भी होगा कि सब है ना 52 सप्ताह होता है, साल भर में कितना सप्ताह होता है 52 सप्ताह होती है, ठीक है। तो 52 सप्ताह में किसी सप्ताह में कह रहा है कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में अर्थात शुरू से ही चला, जनवरी से चला, किसी है ना प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपये की बचत किया, फिर नेक्स्ट सप्ताह में अगला सप्ताह में क्या करता है अपना बचत में 1.75 रुपये का इजाफा करता है, ठीक है। फिर यह सिलसिला वह चालू रखता है, कह रहा है कि किसी सप्ताह में उसकी मासिक बचत बचत कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है। तो कह रहा है कि बताइए है ना किस सप्ताह में, किस सप्ताह में कह रहा है उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, यही आपको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल सा बात है, गौर से देखिएगा तो यह आपका एक एपी प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया एपी प्राप्त हो गया, जैसे प्रथम सप्ताह में उसको है ना 5 रुपये की बचत हुआ है, दूसरा सप्ताह में इतना हुआ, यह सिलसिला चल जाती है एनवा सप्ताह में इतना हो गया। तो कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए कि ना जिस वाला सप्ताह में उसका वेतन कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, पहले यहाँ से ए निकालना है, ए का मान कितना है 5 है, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए डी निकालने का प्रयास कीजिए, डी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगले में से पिछला वो घटा लेंगे, तो क्या करेंगे 6.75 में से क्या करेंगे 5 को घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। और लास्ट में जो दिया रहता है उसको एन बोला जाता है, बोलते हैं कि तो एन का मान हो गया 20.75 हो, कितना हुआ 20.75 हो गया। अब फार्मूला यूज कीजिए, कर दीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना
डी। अब यहाँ से एन का मान कितना है 20.75 है, ए का मान कितना है 5 है, एन का मान तो निकालना है जस के तस एन डी, डी का मान कितना है 1.75 है ठीक है। अब क्या कीजिए 5 को इधर ले आइए, चलिए 5 को इधर लाइए, तो 20.75 इसमें से कितना कर देना 5 को है ना घटा देना है, 10-1 इंटू हो जाएगा 1.75, इसमें से घटा लेंगे तो जाएगा 15.75, अब बटा में कर लीजिए 1.75 कितना 75 बराबर एन माइनस क्या हो गया 1 हो गया। इसको काटने का प्रयास करेंगे, देखिए इसको काटे कट जाना चाहिए, कितना मरतबे कटेगा 9 मरतबे कटना चाहिए क्या, 9×45 की 5 80 से 4 और 9×7 63 400 9 मरतबे कट जाए, कितना मरतबे कट जाएगा 9 मरतबे यह कट जाएगा, आ गया 9 उधर कहकर आ जाएगा बराबर क्या हो गया n, यहाँ से ज्ञान निकालिएगा तो 10 बराबर कितना हो गया n हो गया, अर्थात n का मान कितना निकला, n का मान 10 निकला। बात समझ में आया, लगता है आपको पूरा समझ में अच्छे से आ रहा है ठीक है। तो कह रहा है n का मान ज्ञात करना, तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया, यही आपका क्या हुआ सुंदर सा एक आंसर हुआ ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, गौर से ना अच्छी तरह से इस वीडियो को है ना देखिएगा, बीच में उठ के नहीं जाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें हम 4 क्वेश्चन को देखे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें है ना ये आप यदि मेरा पिछला लेक्चर यदि 8, 7, 6 ये सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।